हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से आर्टिफिशियल किडनी की जो वर्किंग है वो किस तरह से होती है। ये आपकी एनसीईआरटी का जो डायग्राम है वो दिया गया है और किस चीज़ का है ये आर्टिफिशियल किडनी का, और इस पूरी प्रोसेस में बताया गया है कि हीमो जो डायलिसिस है वो किस तरह से किया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये पूरा का पूरा सेटअप है दैट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल किडनी और हीमोडायलाइजर मशीन। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें पर्सन की जो रेडियल आर्टरी है उसमें से ब्लड को लेकर इस सेलोफिन ट्यूब्स के नेटवर्क में से पास करवाया जाता है इस पूरे में से, और अल्टीमेटली इसको फिर से जो रेडियल वेन है उसमें दोबारा से पास कर दिया जाता है। पहले तो ये आप ये समझेंगे। दूसरी बात, ये जो सेलोफिन ट्यूब्स आपको बता दिया था कि ये आरबीसी के लिए प्रोटीन्स के लिए परमिएबल नहीं होती हैं। अब इसमें आप जो ये येलोइश कलर का बीच में देख रहे हैं, इसके सेटअप के बीच में जो ये फ्लूइड है, तो यहाँ से ये फ्लूइड ऐड किया जा रहा है कॉन्टिन्यूसली, डायलाइजिंग फ्लूइड, इसमें फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड इसमें ऐड किया जाता है। तो जैसे जैसे ब्लड इसमें से पास होता जाएगा तो बाहर इस डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं उनकी कंसेंट्रेशन ना के बराबर होती है, बिल्कुल कम, या हम कहें उसमें नहीं होते। नहीं होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे उनकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम। तो हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन इस सेलोफेन ट्यूब से के अंदर जो ब्लड है, ब्लड में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन डायलाइजिंग फ्लूइड में पास हो जाएंगे, और यहाँ से इस डायलाइजिंग फ्लूइड को जो है जो यूज्ड है उसको इसमें यूरिया और एक्सेस सॉल्ट, ये आपने याद रखना है, यहाँ पे गिवन है कि इसमें यूरिया और बहुत सारे सॉल्ट्स इसमें प्रेजेंट होंगे। तो ये वाली इस प्रोसेस के थ्रू जो है ब्लड को वहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव किया जाता है ब्लड में से, और किडनीज जो है, किडनी का फंक्शन जो है, ये मशीन जो है ये पूरी तरह से परफॉर्म करती है। तो ये तो था किस तरह से हीमोडायलाइजर मशीन जो है वो वर्क करती है। अब उसके बाद हमने किया था कि ट्रांसप्लांटेशन भी की जा सकती है। बहुत सारे ऐसे जो है ऑर्गन्स हैं जिनको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अभी हमने किडनी ट्रांसप्लांटेशन का पढ़ा, बट क्या और ऑर्गन्स भी हैं जिनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, आप देख सकते हैं, कॉर्निया, किडनीज, हार्ट, लीवर, पैनक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन, बोन मैरो, ये सभी के सभी वो टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स हैं जिनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। बट इसके लिए एक कंडीशन है कि मोस्ट ट्रांसप्लांटेशंस ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यूज अकर जस्ट आफ्टर द डोनर हैज डाइड। इसमें से जो मैक्सिमम ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनमें जो डोनर है उसकी डेथ के बाद एक सर्टन पीरियड होता है जिनमें इनको डोनेट किया जा सकता है, लिविंग कंडीशन में इनको डोनेट नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसे कौन से हैं, सारे के सारे नहीं हैं ये, इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको अलाइव कंडीशन में भी डोनेट किया जा सकता है। तो अलाइव वाले कौन कौन से हैं, जो बाकी बच जाएंगे वो डेड जो है आफ्टर डेथ होते हैं, और अलाइव कौन से एक्सेप्शंस हैं, सम डोनेशंस कैन बी डन व्हाइल द डोनर इज अलाइव, उस टाइम पे कौन कौन सी कर सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट की जा सकती है, डोनर फिर भी अलाइव रहेगा, लीवर का एक पार्ट आप डोनेट कर सकते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं आती है, लंग्स कैन ऑल्सो बी डोनेटेड, एक लंग पे भी सर्वाइव किया जा सकता है, और बहुत सारे टिश्यूज हैं बॉडी के जिनको जो है डोनेट किया जा सकता है व्हेन द डोनर इज अलाइव। तो जो बाकी बच के हमारे पास उनको आफ्टर डेथ ही डोनेट किया जा सकता है। अब इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक रह जाता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब हमें पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कोई ना कोई प्रॉपर ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो प्लांट्स हैं उनमें कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनमें जो एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं वो दे आर प्रोड्यूस्ड वेरी स्लोली, बहुत ही स्लोली बनते हैं और बहुत ही कम अमाउंट में बनते हैं।
तो इसके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हम देखते हैं कौन कौन से वेस्ट हैं प्लांट्स के, एक्सक्रीटरी वेस्ट, और उनको कैसे कैसे रिमूव किया जाता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस की ड्यूरेशन में जो ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है वो एक वेस्ट है। तो इस वेस्ट को स्टोमेटा, जो लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू, और जो स्टेम में स्पेशल जो है ओपनिंग्स होती हैं लेंटिसल्स, उनके थ्रू जो है इसको रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर भी स्टोमेटा के थ्रू ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन जो है वेपर फॉर्म में इसको रिमूव किया जाता है, दैट इज ऑल्सो ए वेस्ट। अब सॉलिड वेस्ट की बात कर दें, सॉलिड वेस्ट जो है या लिक्विड वेस्ट, दोनों सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट जो ज्यादा अमाउंट में बनते हैं उनकी किसी न किसी पार्ट में पहले तो स्टोरेज होती है, फिर उसी पार्ट के थ्रू उनको रिमूव कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल लीव्स में उनको स्टोर कर लिया जाता है, और जैसे ही लीव्स शेडिंग होगी तो लीव्स के साथ वो भी रिमूव हो जाएंगे। पीलिंग ऑफ बार्क, जो बार्क टिश्यू होता है प्लांट में उसमें बहुत सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट इकट्ठे हो जाते हैं, तो जब बार्क उसमें से ड्राई होके गिरती रहती है तो वो भी रिमूव होते रहते हैं बॉडी से। नेक्स्ट इज फैलिंग ऑफ फ्रूट्स। आप सभी ने नोटिस किया होगा एक चीज को कि मैक्सिमम फ्रूट्स की जो पील होती है, बाहर वाला जो छिलका होता है वो क्या होता है, ज्यादातर बिटर टेस्ट के होते हैं। वो उनके बिटर होने का रीजन ही ये माना जाता है कि उनमें ज्यादातर नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो होते हैं। तो इसमें यम का एग्जांपल दिया है, एक यम आपका राइजोम होता है अंडरग्राउंड, तो इसमें रैफिड्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये रैफिड्स स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसके जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और इनमें नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो स्टोर्ड होते हैं और इन्हीं के थ्रू वो रिमूव होते हैं। अब बात आ जाती है नेक्स्ट, गम्स, रेजिन, लेटेक्स, ये सभी के सभी क्या हैं, इनके अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ये फ्रॉम स्टेम जो है इनका रिमूवल होता है। आप देखते हैं गम निकलता है प्लांट के स्टेम से, रेजिन निकलता रहता है बहुत सारे प्लांट्स के, तो उनके अंदर बहुत सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं। हो सकता है ये नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो, हम उनको ड्रग्स की फॉर्म में यूज़ करते हों, वो एक अलग बात है, लेकिन प्लांट के लिए वो एक वेस्ट है। तो इनकी ज़्यादातर पहले तो इनकी स्टोरेज की जाती है ओल्ड जाइलम में। ध्यान रखना ये बहुत बार आता है कि जो ओल्ड जाइलम वेसल्स होती हैं उनके अंदर इनको स्टोर कर लिया जाता है। अब बात आ जाती है थ्रू रूट्स। रूट्स के थ्रू भी बहुत सारे प्लांट्स जो है सोयल में बहुत सारे सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं। तो इसका एग्जांपल है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है कि सोयल में बहुत सारी सब्सटेंसेस को रिलीज किया जाता है। फॉर एग्जांपल इन लेग्यूमिनस प्लांट्स जो वो नाइट्रोजिनस वेस्ट, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उनको क्या करते हैं, वो सोयल में रिलीज कर देते हैं। दैट इज बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो कंपाउंड्स बने के उनको सोयल में रिलीज कर दिया जाएगा, जो कि सोयल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं जो पॉइजन सिक्रीट करते हैं, जिनकी रूट्स जो है पॉइजनस सब्सटेंसेस को सोयल में रिलीज करती हैं, जो कि दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है, बहुत सारी सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट जो है किया जाता है। तो ये तो था आपका इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स।